आज़ादी का यह 75वां अमृत महोत्सव जो न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जहां भी रहते हैं उसको पूर्ण रूप से मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन कैफुल वरा साहब की निर्देश पर यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना भी है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो कड़ी है उसको पूर्ण रूप से यकीनन आप मानिए कि आगे चल करके, वैसे तो शायरी की ज़ुबान ना हिंदी होती है और ना उर्दू होती है। आइए मैं एक एक करके अपने मेहमानों को मंच पे बुला लूँ, उनका इस्तकबाल कर लिया जाए, उसके बाद पूर्ण रूप से हम कार्यक्रम को शुरू कर देंगे, ताकि उसके बाद फिर सिर्फ आपको कविता और शायरी का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। आइए मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे गोरखपुर शहर के सुप्रसिद्ध लोक गायक, भोजपुरी लोक गायक और विश्व भर में भोजपुरी भाषा की नुमाइंदगी करने वाले संगीत नाटक एकेडमी के सदस्य राकेश श्रीवास्तव जी से कि बराए मेहरबानी वो मंच पे अपनी जगह ले लें। राकेश श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि बराए मेहरबानी वो मंच पे जगह ले लें और मैं गुजारिश करूंगा अपनी टीम के साथियों से कि वो लेकर के आएँ। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे बीच यहाँ पर जो नगर पालिका है उसकी चेयरमैन सुनीता गुप्ता जी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि मैम बराए मेहरबानी अभी मंच पर तशरीफ़ लाएँ, और पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता जी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, और यहाँ पर जो मैं जितने भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनके जिला संघ के अध्यक्ष ईश्वरचंद जायसवाल जी हैं, बहुत सहयोग किया उन्होंने हम लोगों का, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। बराए मेहरबानी गुजारिश करता हूं कि मंच पर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद वरिष्ठ समाजसेवी सुभाष दुबे जी गोरखपुर से आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर तशरीफ़ लाएं। कनक हरी अग्रवाल जी हैं, शिवेंद्र जी हैं, मैं इन तीनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि मंच पर ये जगह ले लें, ताकि इसके बाद पूर्ण रूप से हम कार्यक्रम को शुरू कर सकें, कोई उसमें प्रावधान ना आए। और बाकी हमारे जितने भी कवि और वरिष्ठ लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो सामने जगह ले लेंगे, ताकि हम पूर्ण रूप से कार्यक्रम को पूरी तरीके से शुरू कर सकेंगे। और साथियों यकीनन आपको बहुत ही आनंद आएगा, आप सभी से भी आग्रह है कि आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, यकीन जानिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप सभी बैठ जाएंगे तो। साथियों जितेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, वो हमारे जो यूं कहिए कि यहाँ के जो विधायक हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। डॉक्टर एहसान अहमद साहब हैं, उनको भी मंच पे आना है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आइए मैं जगह बनाता हूँ यकीनन, और देखिए आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नेतृत्व करने वाले हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का, जो ऐसे लोग जो भाषाओं के बारे में जानते हैं, जो परख रखते हैं, मैं जलाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि कनक हरी अग्रवाल जी का बैच लगा करके इस्तकबाल करेंगे। कनक हरी अग्रवाल जी का इस्तकबाल जो है जलाल सिद्दीकी साहब बैच लगा करके करेंगे। इसी कड़ी में फिर मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर एहसान अहमद साहब का भी आप ही बैच लगा करके इस्तकबाल कर लीजिए, बाकी लोग अभी वक्त की थोड़ी सी तंगी है हमको उसका ख्याल रखना है। डॉक्टर एहसान अहमद साहब का बैच लगा करके इस्तकबाल करिए। सर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, श्वेता से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर सुनीता मैम हैं, उनका जो है बैच लगा करके स्वागत करेंगी वो। सुनीता मैम का बैच लगा करके सुभी जो कि युवा कवित्री हैं वो आपका स्वागत करेंगी, बराए मेहरबानी सामने तशरीफ लाएं आप। थोड़ा जल्दी करिए भाई आप लोग। साथियों आप लोग तालियां वालियां बजाते रहिए कि लगे आप यहां पर मौजूद हैं। इसी कड़ी में जलाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि पूर्व चेयरमैन
ज्योति प्रकाश गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी बैच लगा करके इस्तकबाल करें। बराए मेहरबानी वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और जो मेरे साथी फ़ोटो खींच रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं। आगे आकर के साथियों यकीन जानिए, इसी कड़ी में अब हमारे बीच ईश्वर चंद जायसवाल जी हैं, जो यहाँ पर पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, जो जितने भी यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा उनका भी बैच लगा करके इस्तकबाल किया जाए। साथियों ये एक सिर्फ औपचारिकता ही नहीं बल्कि अभिवादन भी होता है हमारे अपने लोगों का, और यकीन जानिए ये बहुत ही हम लोग खुशनसीब हैं कि इतने बड़े प्रभुत्व जनों का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है, यकीन जानिए। और इसी कड़ी में अब हमारे बीच राकेश जी हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि राकेश श्रीवास्तव जी का भी बैच लगा करके इस्तकबाल कर दिया जाए। साथियों आगे चले इसी कड़ी में। साथियों सुभाष दुबे जी हैं, उनका भी स्वागत होना है, जो गोरखपुर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और रेलवे में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और हमेशा साहित्य अदब से एक गहरा लगाव है, साहित्यिक जीवन जीते हैं समाज में ही और बेहतरीन समाज की नुमाइंदगी करते हैं। शिवेंद्र जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बेहतरीन वक्ता, हम सब के अभिभावक स्वरूप, हमेशा आपका सानिध्य और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि आप अपना कीमती वक्त हम लोगों को दे रहे हैं। अवधेश जायसवाल जी हैं, उनका भी बैच लगा करके इस्तकबाल करना है। भारतीय जनता पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, आप ताल्लुक रखते हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बैच लगा करके इस्तकबाल किया जाए। लूंगा कि सामूहिक रूप से खड़े होकर के जितेंद्र जी और सुनीता मैम, ईश्वरचंद जायसवाल जी, राकेश जी, सभी लोग एक एक करके और यहाँ पर शम्मा रोशन करेगा, और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि यहीं से कवि सम्मेलन और मुशायरा शुरू हो जाता है, ये उसकी पहली पंक्ति होती है। और वैसे भी हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की ये परंपरा रही है कि हम जब भी सूरज निकलता है तो उसकी पूजा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जब डूबता है तब भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो दिन भर का हमारा काम था वो सुचारू रूप से चलता रहा और एक के बाद जो दूसरा क्रम आता है। तो इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा अभी सभी मेहमानों से कि बराए मेहरबानी वो मंच पे एक साथ खड़े हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाए। साथियों जोरदार तालियां बजा दीजिए एक एक करके हमारे सभी मेहमान यहां पर शम्मा रोशन करते हुए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। साथियों ये प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद यकीनन हम ये चाहेंगे कि कवि सम्मेलन शुरू हो जाए,
और बीच में हम अपने मेहमानों का, जब कुछ और भी हमारे मेहमान आने हैं उनका, हम लोगों को जो है वो सबका एक मरतबा यहाँ पर सम्मान होना है। लेकिन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राकेश श्रीवास्तव जी ने यह आग्रह किया है कि कार्यक्रम शुरू होते ही पहले हम, क्योंकि सभी देश के बड़े बाहर बाहर हिस्सों से तशरीफ़ लाए हैं, उड़ीसा से लेकर के दिल्ली से और दिल्ली से लेकर के आपके आसपास के जितने भी इलाके हैं सभी से आपके मेहमान शायर तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए यकीनन जितनी भी यहाँ पर शख्सियत और हस्तियाँ बैठी हुई हैं वो सब ऐसे लोग हैं जिनका अपने आप में तारुफ कराना, परिचय कराना किसी चुनौतीपूर्ण से कम नहीं है। तो इसलिए मैं अब गुजारिश करूंगा कि जो आज के कार्यक्रम की इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की जो निजामत करेंगे, मैं रेहान जिगर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच ले लें और अपने कवियों को अब आमंत्रित करें। अभी जब हमारा कवि सम्मेलन एक डेढ़ घंटे का हो जाएगा उसके बाद फिर हम अपने जितने भी अतिथि हैं उनका सम्मान उसी कड़ी में रखेंगे। राकेश जी का जैसा कि हम लोगों को आदेश है हम पूर्ण रूप से उसी हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार ऐसे अवसर पर, जब ऐसे दौर में जब लोग एक साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते हैं जुबानों के बीच, तब जाकर के हिंदी और उर्दू जुबानों का ये संगम यहाँ पर हो रहा है चौरी चौरा के इस स्थल पर। मैं रिहान जिगर साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं और सभी कवियों और शायरों को जो है वो मंच पर अपने हिसाब से आमंत्रित करें। भैया आइए आइए, आप सभी बराए मेहरबानी जगह ले लें। चचा को ऊपर बुलाइए। हाँ आइए, आप बुला लीजिए। और क्या साथियों, वो शख्सियत जिसने इसको बनाया है, आकार दिया है, वो हमारे बीच हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ साथियों, और गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी कि वो भी मंच पर जगह ले लें। हम शोरा अपने अपने अशआर सुना चुके, मैं आखिर में साथियों मैं ईश्वर चंद जायसवाल जी बाहर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आ जाएं, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है और सम्मान समारोह की ये कड़ी है जिसमें उनकी उपस्थिति है, वो आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि हैं। साथियों आपके बारे में बता दूं कि कई विद्यालय चलाते हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले मेरे कुछ मेहमान हैं, मैं उनको मंच पर बुला लूं। राकेश श्रीवास्तव जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आ जाएं। सौरभ पांडे जी मुख्य अतिथि जी, अति विशिष्ट अतिथि ईश्वरचंद जायसवाल जी जो बहुत सक्रिय रहते हैं इन इलाकों में, और यकीन जानिए बहुत सारे और लोग हैं यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि ये तीनों लोग मंच पर आ जाएँ। उसके बाद मैं अपनी टीम के लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमको कुछ लोगों का सम्मान करना है और उसके बाद से फिर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाइए, बहुत सा वक्त आपने हमको दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खासतौर पे नगर पालिका का, यहाँ के लोगों का, चेयरमैन साहब का, उनकी वाइफ का और भी बहुत सारे लोगों का। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कनक जी की जो लड़की है उसका मोमेंटो लेकर के बराए मेहरबानी आगे आया जाए और उससे गुजारिश करूंगा कि वो मंच तक आ जाए, उसका सम्मान होना है। कनिष्का हरि अग्रवाल, युवा कवित्री यूं कहिए कि नौजवान उम्र वैसे भी किसका वो नहीं होता, ईश्वर जी का आशीर्वाद सौरभ जी का मिल रहा है। इसी कड़ी में मैं गणेश दुबे का सम्मान करने के लिए श्वेता से कहूंगा कि वो मोमेंटो लेकर के आए। गणेश दुबे जो आपका अपना बेटा है, इसी जिले का है, इसी जगह का है, गणेश दुबे का सम्मान करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा श्वेता से कि वो लेकर के आए गणेश दुबे का। इसके बाद दिव्या मालविया है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, ये नौजवान बच्चे जिनकी आपने हौसला अफजाई की, हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, सुभाष जी का, कनक हरि अग्रवाल जी का, शिवेंद्र जी का, डॉक्टर एहसान अहमद साहब का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद दिव्या मालविया जी का मैं गुजारिश करूंगा, दिव्या मालविया जी का मोमेंटो ले आया जाए।
इसी कड़ी में श्वेता मिश्रा सुभी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो आ जाए। इसके बाद हमारे बीच इमरान सिद्दीक इमरान जी हैं, मोहम्मद इमरान खान साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाए, उनका भी सम्मान हो रहा है। इमरान खान, इमरान खान साहब गुजारिश करूंगा कि आ जाएं। इसके बाद मैं मिनहाज सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा। ठीक है भैया, जगह है, खड़े होने इतनी जगह है। श्वेता हो गया तुम्हारा, श्वेता मिश्रा सुभी, यहाँ पर इरफान सिद्दीक इमरान साहब, इमरान खान साहब का सम्मान, उसके बाद मिनहाज सिद्दीकी, कड़ी में वरिष्ठ समाज सेवी शिवेंद्र जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाएं। आप बहुत सक्रिय हैं और यकीन जानिए साहित्य और अदब के लिए हमेशा लगे रहते हैं, समाज सेवियों में हैं, हम सब के अभिभावक हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी अभी तशरीफ लाएं। इसके बाद मेरे बड़े भाई कनक हरि अग्रवाल जी, जिनका सानिध्य और आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि उनकी बेटी ने अभी काव्य पाठ करके, एक बाप के लिए यही गौरव का विषय होता है कि उसके बच्चे उसका सीना चौड़ा करें और जब उसके नाम से जाने जाएं, तो यकीन जानिए आज लोग ये कहें कि कनिष्का के पिताजी हैं वो, जिनका नाम कनक हरि अग्रवाल है। तो बहुत बधाई आपको। मिनहाज सिद्दीकी, अब मैं गुजारिश करूंगा अभिभावक स्वरूप, यहाँ पर सुभाष दुबे जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। सुभाष दुबे जी से गुजारिश करूंगा कि सर आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। और मैं जलाल सिद्दीकी साहब से जोड़ करूंगा कि वो आकर के ऐड हो जाएं। और अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह, नासिर फराज साहब से और भूषण त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के कुछ अतिथियों का सम्मान कर दें, जैसे सुभाष दुबे जी हैं उनका। इसके बाद विनय श्रीवास्तव जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, सबसे ज्यादा कोरोना का टेस्ट इन्होंने किया है, मैं इनको बधाई देता हूं। और इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कोरोना का सबसे ज्यादा सर 800 टेस्ट एक दिन के अंदर किया है ईश्वर जी, और ये बास गांव के हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, इनको बधाई। और इसके बाद फिर मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर एहसान अहमद साहब को, अवक हैं, बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, समाजसेवी हैं, साहित्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर एहसान अहमद साहब के लिए जोरदार तालियां, ये हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, हम सबको बहुत सारी मोहब्बतें देते हैं। इसके बाद एक और बड़ा नाम, गोरखपुर शहर के वरिष्ठ समाजसेवी, हम सब के बड़े भाई ध्रुव श्रीवास्तव जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भैया अब आप भी बराए मेहरबानी आएँ। और यकीनन आप जितनी हम लोगों की मदद करते हैं उसका हम लोग बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन ये आशीर्वाद स्वरूप और ये दुआएँ, ये बड़े लोगों की दुआएँ, यकीनन भूषण त्यागी जी, ईश्वर चंद जायसवाल जी की दुआएँ आपको मिल रही हैं, नासिर फराज साहब की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब
मैं अपने मेहमानों से कहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी जगह ले लें, क्योंकि अब बस 3-4 लोगों का और सम्मान है और बहुत सेलेक्टेड लोगों को करना है। ईश्वर जी बराए मेहरबानी अब आप बैठे, बहुत देर से आप यकीनन हम पे नाराज हो रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत कम वक्त के लिए आपको बुलाया था। अब मैं गुजारिश करूंगा आज के इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि ईश्वर चंद जायसवाल जी, जिनके बारे में मैं कहूँ कि कई विद्यालयों के आप मालिक हैं, चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अत्रिय कार्य करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और यकीन जानिए वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में आपका नाम बहुत ही चर्चित है इस इलाकों में। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपना कीमती समय देने के लिए, हम सबको सहयोग देने के लिए। यकीन जानिए आप लोगों की सरपरस्ती, बहुत सारे लोगों की सरपरस्ती रही। बराए मेहरबानी आप मंच पर तशरीफ लाएँ। मैं अपने कुछ कवि शायरों से गुजारिश करूँगा, जैसे जलाल सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश करूँगा, इसके बाद से तनवीर जलाल पूरी साहब से, भूषण त्यागी जी से और नासिर साहब से, कि ये चारों लोग एक साथ आपका सम्मान करें। बराए मेहरबानी मंच तक तशरीफ लाएं सर। ये सम्मान जब हम देते हैं सर तो हम किसी का कुछ नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारियां और दायित्व तो बढ़ा देते हैं। बराए मेहरबानी तशरीफ लाइए, आपका बहुत सारा सानिध्य रहा। और मैं मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार गौतम मनु जी हैं जो बौद्ध संग्रहालय से वावस्तगी रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आप भी बराए मेहरबानी। साथियों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के चेयरमैन सुनीता गुप्ता जी का, ज्योति प्रकाश गुप्ता जी का, यहाँ की विधायक श्रीमती गीता श्रीवास्तव जी का, जिन सब के सानिध्य से ये कार्यक्रम हुआ। और विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी लोगों का, ADMFR साहब का, यहाँ के अधिशासी अधिकारी का, राकेश भैया का, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका। अब मैं भूषण त्यागी जी, वसीम रामपुरी जी और नासिर फराज साहब से, नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो लोग बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे, धराधाम प्रमुख, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, इस साहित्य और अदब के लिए तत्पर रहने वाले डॉक्टर सौरभ पांडे जी, जो पैर से मजबूर है उसके बावजूद भी हमारे एक बार कहने पर तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों। और गुजारिश करूँगा सौरभ पांडे जी का खास तौर पर, साथियों आखिर में एक मोहतरम नाम है, इसके लिए मैं जलाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा वो आएं। और मेरी ये जाती ख्वाहिश है कि ईश्वर चंद जायसवाल जी और सौरभ पांडे जी और मैं उनका सम्मान करूं राकेश श्रीवास्तव जी का, बराए मेहरबानी वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जियाउल हक साहब से भी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं, तशरीफ लाएं, और राकेश श्रीवास्तव जी का सम्मान होना है। और इसके बाद साथियों यहीं पर एक हमारे और मेहमान हैं, उनका है सम्मान, इसलिए बराए मेहरबानी आप राकेश श्रीवास्तव जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहां के चेयरमैन सुनीता गुप्ता जी का, ज्योति प्रकाश गुप्ता जी का, यहां की स्थानीय विधायिका जो है संगीता यादव जी का, ADMFR साहब का, अधिशासी अधिकारी का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों कि ये शानदार कार्यक्रम आप सभी के सौजन्य से और मदद से हो सका। साथियों आखिर में एक आज के कार्यक्रम की शानदार निजामत करने वाले रेहान जिगर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं। और राकेश भैया, ईश्वर चंद जायसवाल जी और साथ में सौरभ पांडे जी और डॉक्टर मनोज कुमार गौतम मनु जी से गुजारिश करूंगा कि बेहतरीन संचालन करने वाले अलीगढ़ से तशरीफ लाए रेहान जिगर जी का इस्तकबाल कीजिए, उनका स्वागत कीजिए और ये यकीनन इनका सम्मान होना चाहिए। साथियों
बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर इस जगह पर उस नौजवान को ना खड़ा किया जाए, उसके हाथों में भी कुछ एजाज़ ना दिया जाए, तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं गुजारिश करूंगा मिन्नत गोरखपुरी साहब से और राकेश श्रीवास्तव जी और पांडे जी और गौतम साहब, जितने लोग आ सकें